दोस्तों, कल हमने दो अंक, दो नंबर्स के बारे में बात किया, एक था 45, एक था 46। और जो जो वीडियोस पहले से मेरे देख रहे हैं, जो भाई और बहन, तो उनको मालूम होगा 45, 46 कौन सा अंक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको मेरे इस छोटे से YouTube चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली मालिका ग्रंथ के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का नया एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 45, 46 अंक के बाद मैंने आपको लास्ट में कहा था, पिछले वीडियो के लास्ट में कहा था कि क्या 2021 के साल में कुछ नेचुरल कैलेमिटी के बारे में लिखा है। हाँ, लिखा है, लिखा था कि ये मिथुन महीने में बाढ़ होगा, पानी भर जाएगा शहर शहर में, वो लिखा था। वो हुआ, अभी हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। मिथुन मंथ जो बोलते हैं हमारे भारतीय संस्कृति के कैलेंडर के हिसाब से, मिथुन मासे मीनोना सजीवे, वो सब लिखा था। मतलब मिथुन मंथ में मीन नाश, मतलब मछली मरेंगे। तो इंडिया के बहुत सारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में समुद्र के किनारे, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक मछली मरे हुए मिले मिथुन मंथ में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया, अब बहुत सारे जगह में हम लोग ने बाढ़ देखा, फ्लड्स। हाँ, अभी तक वो चल रहा है, बहुत सारे जगह में बारिश हो रहा है, आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो ये तो हो गई एक भविष्यवाणी जो मिथुन मंथ के लिए लिखा था। दूसरी जो है, ये शायद इंडिया के लिए हो सकता है कि, लेकिन मैं थोड़ा डाउट में हूँ, क्योंकि लिखा है पश्चिमो देशे शिशिर मासे। पश्चिमो देशे में मतलब वेस्टर्न कंट्रीज। तो गुरु अच्युतानंद जी ने वो कौन से भाव में लिखा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब USA, यूरोप, वो हो सकता है, या फिर वेस्टर्न मतलब पूरा अपने वर्ल्ड मैप का वेस्ट पकड़ लीजिए, जिसमें हमारा इंडिया का भी वेस्टर्न पार्ट आ जाता है और दुनिया का वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे भी ये हो सकता है। लेकिन ये चीज़ मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वो चीज़ मालूम नहीं चला। तो लिखा है 21 अंके शिशिर मासे, हाँ, पश्चिम देशे 21 अंके शिशिर मासे भूमिकम्प हेबो जानो। इसका मतलब 21 अंक में पश्चिमी देशों में शिशिर महीने मतलब विंटर बोलते हैं, ठंडी के महीने में भूमिकम्प होगा, भूकंप होगा। 21 अंक जो मैंने आपको 6 कैलेंडर के बारे में बताया, आपको तो मालूम होगा, उसमें से एक में 21 अंक कौन सा है आप देख लीजिएगा। और मैंने आपको वो भी कहा कि इंग्लिश कैलेंडर हमारे ही भारतीय संस्कृति के ऊपर ही डिपेंड करता है और उससे ही टैली करके बनाया गया है। तो पूरी सृष्टि का नियम जो है वो हमारी संस्कृति से ही बना है, हमारी भारतीय संस्कृति से ही बना है। चाहे उसके नाम अलग हों, धर्म के नाम अलग हों, रूल्स अलग हों, लॉ अलग हों, लेकिन सब कुछ का शुरुआत यही भारत की धरती से ही हुआ है। तो प्रश्न उठता है, पश्चिमी देश में शिशिर महीने मतलब ये ठंडी के महीने में भूकंप होगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा तो ठंडी का महीना भी आने वाला है, हाँ, सितंबर के बाद तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो उस टाइम में हो सकता है हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में हो सकता है, नहीं तो पूरे वर्ल्ड का वेस्टर्न मतलब USA, यूरोप, ये सब जगह में भूकंप हो सकता है। लेकिन बहुत ज़ोर से होगा, ज़ोर से मतलब मेजर स्केल पे होने के चांसेस हैं।
अगर मालिका में कुछ इवेंट लिखा है तो वो छोटा मोटा इवेंट नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ा इवेंट ही होने वाला है। तो आज हो गए दो बातें, मिथुन महीने के बारे में हमने बोल दिया कि मछली मरेंगे और बाढ़ आएगी, ये तो हो गया। और दूसरा है शिशिर महीने में भूकंप होगा पश्चिमी देश में। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में और भी चर्चा करेंगे, मालिका से कुछ कुछ पंक्ति संग्रह करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अनुमति दीजिए दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय हिंद।